एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस साधु की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक नव विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता, तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता, आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने उन सब से एक अनोखा सवाल किया कि क्या आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़ों को दागे किया था। युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है,
अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस भगवान की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों